आज हम बात करते हैं एक सुपर फूड की, एक ऐसे चमत्कारिक फूड की जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और जो हमारी जो पोषक पोषण की जो रिक्वायरमेंट है उनको जो पूरा करता है। तो वो सुपर फूड क्या है, आपने तालाबों में देखा होगा, हरी हरी काई जमती है जिसको शैवाल बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में जिसको एल्गी बोलते हैं। उसकी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, उसमें से कुछ वेराइटी ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो पोषक तत्व तो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हैं, वो चाहे माइक्रो न्यूट्रेंट की बात हो या पोषक तत्वों की बात हो तो उसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो उसके क्या क्या लाभ हैं उसकी बात हम करेंगे। आपने देखा होगा पानी में एक जंतु रहता है जिसको कछुआ बोलते हैं, और ये कछुआ इतना होता है कि जितने भी धरती के ऊपर रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले पशु पक्षी, जितने भी जीवित प्राणी हैं उसमें सबसे अधिक आयु का यदि कोई प्राणी जीवित जीता है तो वो कछुआ जीता है। उसकी आयु 200 साल भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, कुछ कुछ कछुए तो ऐसे भी मिलते हैं जो 400-500 साल के रहते हैं। तो उस कछुए की लंबी आयु का रहस्य क्या है, वैज्ञानिकों ने देखा तो ये पाया कि एक तो उसका जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो उसका रहस्य है, और दूसरा जो रहस्य है उसके खाने पीने में छिपा हुआ है, वो जो पानी में रहता है तो वो एक विशेष प्रकार की एल्गी को, काई को खाता है जिससे उसके शरीर को अच्छा पोषण मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और उसको बीमारियां नहीं लगती, उसको लंबी आयु मिलती है। पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे तो कई बार बहुत से लोगों को खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं था, और जब उनको खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं था तो वो विशेष प्रकार की काई का एल्गी का प्रयोग करते थे। अपने भारत में नहीं, दूसरे कुछ देशों में ये प्रयोग किया जाता था। तो उनको वो थोड़ी सी वो खाते थे, उस चमत्कारिक फूड को खाते थे, तो वो कई कई दिन तक बिना खाना खाए भी युद्ध लड़ते रहते थे। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का नाम आपने सुना होगा। 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब कई देशों में, अफ्रीकन देशों में ये देखा कि कुपोषण एक बड़ी समस्या है, बच्चों में तो बहुत बड़ी समस्या है, तो उन्होंने इस स्पाइरुलिना को भविष्य का फूड घोषित किया कि ये भविष्य का सर्वश्रेष्ठ आहार है जो पोषण की दृष्टि से अच्छा हो। ये कैसे चमत्कारिक है इसकी बात हम करें तो इसके पोषक तत्वों की हम बात करें तो पालक में आयरन पाया जाता है, आप सबको पता है पालक से 5000% ज्यादा आयरन इसमें पाया जाता है। कैल्शियम की हम बात करें तो कैल्शियम दूध में होता है तो दूध से 500% ज्यादा कैल्शियम इसमें होता है। प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है तो सोयाबीन के प्रोटीन से भी 300% अधिक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। हम 1 किलो सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उस 1 किलो वेजिटेबल से जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो सारे केवल ये हम एक दिन की खुराक जो 1 से 2 ग्राम स्पाइरुलिना लेते हैं उससे हमें ये मिलते हैं। ये स्पाइरुलिना और कैसे चमत्कारिक है इसकी हम बात करें तो मैंने जैसे बताया कि ये एल्गी इसको बोलते हैं, काई बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। आपने पानी में देखा होगा कि पानी में हरे हरे रंग की, गहरे नीले रंग की काई अपने आप उगती है। उस वो अलग कई प्रकार की काई होती है, उसमें कुछ विशेष प्रकार की काई होती है, उसमें कुछ जहरीली भी होती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ विशेष प्रकार की काई ऐसी है जो मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो उस काई से स्पाइरुलिना बनता है, स्पाइरुलिना के कैप्सूल बनते हैं, उसके पाउडर बनते हैं। पतंजलि ने भी अनुसंधान करके, पतंजलि के बारे में हम बताएं तो पतंजलि के पास NABL की 4 लैब हैं। पतंजलि ने लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है और उसमें कई हमारे पास मशीनें तो ऐसी हैं जो इंडिया में और किसी के पास नहीं है। एक मशीन सिंगापुर में है या हांगकांग में है, तो ऐसी मशीनें हमारे पास हैं जहां से सेल लाइन ट्रायल हम कर सकते हैं। पतंजलि की जो लैब है उससे बाहर से भी लोग टेस्टिंग करवाने के लिए ओपन सोर्स आते हैं। तो हम अगर हम बात करें तो ये स्पाइरुलिना के और क्या क्या फायदे हैं। स्पाइरुलिना एसिडिटी को कम करता है, जवान रखता है, युवा रखता है। स्पाइरुलिना में हम अगर बात करें तो इसमें जो पोषक तत्व हैं वो दिल को स्वस्थ रखते हैं। स्पाइरुलिना के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, बीपी को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर जो तत्व हैं उससे जो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, जिससे हार्ट अटैक के खतरे कम होते हैं। प्रेगनेंसी में स्पाइरुलिना जब भी लें तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। प्रेगनेंसी में आयरन बहुत कम होता है, कैल्शियम कम होता है, तो स्पाइरुलिना में आयरन की मात्रा पालक से मैंने जैसे बताया 5000% ज़्यादा होती है, तो प्रेगनेंसी में एनीमिया को दूर करने के लिए बड़ा उपयोगी है। बुजुर्गों में रक्त की कमी होती है, HB की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो उसके लिए भी यह स्पाइरुलिना विशेष रूप से उपयोगी है। त्वचा के लिए, स्किन के लिए यदि हम बात करें तो स्किन की टोन को ठीक करता है स्पाइरुलिना में।
जो जरूरी विटामिन हैं वो सारे पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन ई, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये पाए जाते हैं और ये स्किन की टोन को चमकदार बनाते हैं। हम कई बार देखते हैं ना कुछ लोगों की स्किन डल होती है, कुछ लोगों की स्किन की टोन बहुत अच्छी होती है, जवान दिखती है, तो ये काम ये स्पाइरुलिना करता है। इसके साथ साथ शुगर में, जिनको शुगर है, मधुमेह है, उसमें भी स्पाइरुलिना काफ़ी काम करता है, शुगर के लेवल को नेचुरली कम करता है। हमारी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन आ जाती है, उस सूजन को कम करता है, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाता है। अल्सर में, जिनके पेट में अल्सर हो जाता है, उसमें इसके अंदर जो स्पाइरुलिना के अंदर जो प्रोटीन होती है, देखिए जो प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन एमिनो एसिड से बनती है, उसमें से कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं जो हमारे हमें केवल खाने से मिलते हैं, कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। तो इस स्पाइरुलिना के अंदर जो प्रोटीन के अंदर जो एमिनो एसिड हैं वो 9 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं और वो सब हाई क्वालिटी एमिनो एसिड हैं, हाई क्वालिटी का प्रोटीन इसमें स्पाइरुलिना में पाया जाता है। हमारे पेट में अल्सर होता है तो पेट में छोटी आंत बड़ी आंत के अल्सर में इसके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। कैंसर में भी ऐसी चीज़ें पाई गई हैं, कई बार डॉक्टर हमें कहता है कि आपको तो कमजोरी है, विटामिन्स कम है, विटामिन बी कम है, ई कम है, विटामिन डी बॉडी हमारी खुद बनाती है, लेकिन जब हम इस प्रकार के नेचुरल प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी बनने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। विटामिन डी के लिए हमें 40 मिनट तक 40% हमारा हिस्सा खुला हो और एक साल में 40 दिन यदि हम धूप में रहते हैं, विटामिन डी का फार्मूला क्या है, 40% शरीर खुला 40 दिन तक 40 मिनट प्रतिदिन, अगर हम धूप में रहते हैं तो विटामिन डी हमारा कम नहीं हो सकता। तो कई बार जब हम जाते हैं तो आज भारत में विटामिन डी कम होना, विटामिन बी कम होना, बी ट्वेल्व कम होना, ये बड़ी समस्याएं हैं। तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपको विटामिन बी लेना है, कुछ दूसरी चीज़ें लेनी है तो आप मछली का तेल लें, आप अंडा खाइए, आपको मीट खाना पड़ेगा, आपको मांस खाना पड़ेगा। भारत में राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर बड़ी संख्या एक ऐसे लोगों की है जिन्होंने ज़िंदगी में कभी अंडा या मीट देखा नहीं है। तो ये स्पाइरुलिना उन सात्विक लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। और जब ये शरीर में थकान होती है, शरीर में जी मिचलाता है, चक्कर आते हैं, और माताओं बहनों को तो ये बहुत ज़्यादा होती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मीट मांस खाने के लिए कहता है। और कई बार जो हेल्थ कैप्सूल बाज़ार में आए हुए हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार, अलग अलग खान टाइप के से फिल्म स्टार, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार माने जाते हैं, वो उसकी ऐड करते हैं, उसमें कैप्सूल के बाहर के कवर से लेकर अंदर तक वो सारा मांसाहार का बना होता है जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। तो हमें वो री से लेकर जो तमाम नामों के अलग अलग आते हैं उनका प्रयोग करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये स्पाइरुलिना ऐसा वनस्पति का प्रोडक्ट है जिसको हम प्रयोग करके अपने शारीरिक कमजोरियों से मुक्ति पा सकते हैं। कैंसर में ये रिसर्च की गई है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं। हमारे शरीर में पोल्यूशन के कारण फ्री रेडिकल्स निकलते रहते हैं, वो हमारी स्वस्थ कोशिकाओं को भी खराब करने का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट उस फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अंदर फिनोलिक नाम के ऐसे कंपाउंड भी प्रेजेंट हैं जो कार्सिनोजेनिक पदार्थों के ऊपर रोक लगाते हैं, कैंसर होने से हमें बचाते हैं। वजन कम करने के लिए स्पाइरुलिना बहुत उपयोगी है, रामबाण होता है। इसके अंदर फैटी एसिड है, बीटा कैरोटीन है, क्लोरोफिल है और दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पोषण देकर हमारी भूख लगने की कैपेसिटी, भूख के एहसास को कम करते हैं, हमें पोषण प्रदान करते हैं। इसके अंदर फाइबर भी होता है जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है और वजन कम करने के लिए भी स्पाइरुलिना बहुत उपयोगी है। लीवर को ठीक करने के लिए स्पाइरुलिना के अंदर पूरी मात्रा में, भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, प्रोटीन होता है जो लीवर के स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। लीवर के अलावा जिनको पुराना हेपेटाइटिस है वो भी डॉक्टर की सलाह करके इसको प्रयोग कर सकते हैं। और किसी भी दवाई का, हेल्थ प्रोडक्ट का जब आप प्रयोग करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। हमारे पतंजलि चिकित्सालय पूरे देश में खुले हुए हैं, वहाँ पर अनुभवी BAMS MD डॉक्टर वहाँ पर, वैद्य वहाँ पर सेवाएं देते हैं। तो आपको कोई भी बीमारी है या बीमारी नहीं भी है तो आपको कुछ, आपको योग की, आयुर्वेद की सलाह लेनी है तो आप किसी भी सेवा केंद्र पर चले जाइए। वहाँ पर कोई OPD की फीस नहीं ली जाती, कोई किसी भी प्रकार की स्लिप नहीं काटी जाती, कोई 400-500 रुपये कंसल्टेशन की फीस भी नहीं लगती। निःशुल्क योग व आयुर्वेद का परामर्श हमारे 3,000 से अधिक वैद्यों द्वारा दिया जाता है। आँखों के लिए कई रिसर्च ऐसी हुई हैं जिसमें आंखों के लिए स्पाइरुलिना बड़ा उपयोगी है, मोतियाबिंद हो जाता है। हमारे रेटिना के अंदर कई बार कुछ
दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। हमारा जो रेजिस्टेंस, हमारी जो इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम है, हमारा जो रेजिस्टेंस पावर है उसको भी मजबूत करता है। हमारे ये हमारे शरीर के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने एक वाक्य बोला तो कई लाख कोशिकाएं मर जाती हैं, हमारी RBC, WBC, हमारा ब्लड। हम ये मानते हैं कि 3-4 महीने के अंदर तो हमारा पूरा शरीर बदल जाता है, एक एक कोशिका बदल जाती है। तो ये जो कोशिकाओं के मरने की दर कम करता है और बनने की दर को बढ़ाता है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम भी यह स्पाइरुलिना करता है। वायरल संक्रमण होता है, कुछ लोगों का मौसम बदलता है, तुरंत सर्दी होती है, जुखाम होता है, एलर्जी होती है, तो उस वायरल इन्फेक्शन में और वायरल संक्रमण में इन्फ्लेमेशन होते हैं, कहीं बॉडी के अंदर सूजन आती है। इसका मतलब क्या है कि अंदर कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ है, तो उसको दूर करने का काम भी स्पाइरुलिना करता है। इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करता है, वायरल इन्फेक्शन से हमें बचाता है। हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारा जो नर्वस सिस्टम है और जो हमारा ब्रेन है, उसके लिए फोलेट, विटामिन B6, B12 इसमें पाया जाता है, जो हमारे मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, हमारी जो एक्टिवनेस है उसको बढ़ाता है, हमारी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको बढ़ाता है। मानसिक तनाव में, तनाव डिप्रेशन आजकल सबको होता है, पोल्यूशन का अपना तनाव है, काम का अपना तनाव है, तो उस तनाव में भी इसके अंदर जो फोलिक एसिड है वो हमारे ब्रेन को पोषण देता है और इससे हमें एनर्जी मिलती है। हमारी हमारे ब्रेन, हमारे पूरी बॉडी के अंदर नई नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे डिप्रेशन दूर करने में भी ये मदद करता है। अब हम बात करते हैं कि स्पाइरुलिना लेना किसको नहीं है। जिनको ऑटो इम्यून सिस्टम की कोई दिक्कत है, जिनको किडनी की कोई दिक्कत है, वो जिनको प्रेगनेंसी है, जो कोई विशेष बीमारी या विशेष दवाई कोई ले रहे हैं, तो वो एक बार किसी डॉक्टर से सलाह कर लें। सलाह करने के बाद आप निसंकोच स्पाइरुलिना का सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर से सलाह कर लेंगे तो वो हमारी रोग विशेष की अवस्था में, शरीर विशेष की अवस्था में हमें और अच्छे से मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो अब ये जो स्पाइरुलिना है, इसको बहुत सी कंपनियां बनाती हैं। हमने ये जो स्पाइरुलिना है, ये 150 रुपए में इसके 60 कैप्सूल उपलब्ध करवाए हैं। और ये केवल हमने केवल स्पाइरुलिना उपलब्ध नहीं करवाया है, आपने सहजन का नाम सुना होगा, सुपर फूड है, आज लोग उसको जानते हैं। हम हमारे घरों में पुराने जमाने से उसको खाया जाता है, सांबर बनता है, तो सहजन के बिना सांबर कभी बनता नहीं है, साउथ में ये परंपरा डाली हुई है, कढ़ी पत्ते का प्रयोग करते हैं। तो सहजन के साथ, मोरिंग के साथ हमने ये स्पाइरुलिना निकाला है, जो 175 रुपये के 60 कैप्सूल हैं। अश्वगंधा के साथ निकाला है, आंवले के साथ निकाला है, ताकि आपको आंवला अलग से ना लेना पड़े, अश्वगंधा ना लेना पड़े, तो इन कम्बिनेशन के साथ पतंजलि ने निकाला है। जो विदेशी कंपनियां हैं वो इसी स्पाइरुलिना के 60 से लेकर 100 कैप्सूल 1500 रुपये तक के बेचती हैं, 1200 रुपये के, 1500 रुपये के, 1000 रुपये के, इतने महंगे बेचती हैं। और उनके आप एजेंट देखेंगे तो वो अपने प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे। पतंजलि 100% चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 16 लाख कंपनियां हैं, केवल पतंजलि ऐसी कंपनी है जिसका संकल्प है कि हम अपना 100% चैरिटी में लगाएंगे। आप पतंजलि का एक टूथपेस्ट खरीदते हैं, उससे यदि 1 रुपये की भी बचत होती है, तो वो 1 रुपया बच्चों की शिक्षा दीक्षा में, गोरक्षा में, योग शिविर लगाने में, गरीब कन्याओं के विवाह करने में, रक्तदान शिविर लगाने में, पेड़ पौधे लगाने में, किसी किसान की हेल्प करने में, कहीं असम जैसे क्षेत्र में, बोडोलैंड में विद्यालय चलाने में काम में आता है, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगाया जाता है। तो विदेशी कंपनियां जो 1500 रुपये का बेचती हैं, वो जो बीच में उनका मीडिएटर और कमीशन वाला व्यक्ति होता है, उसको 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये कमीशन देती हैं। और ये जो स्पाइरुलिना हमने बनाया है, इस स्पाइरुलिना में जो कैप्सूल का कवर है, ज्यादातर कंपनियों का जो कैप्सूल का कवर है वो नॉन वेजिटेरियन मटेरियल से बना होता है। अपने पतंजलि का स्पाइरुलिना का जो कैप्सूल का कवर है वो पूरी तरह से वेजिटेबल मटेरियल से बना हुआ है। वो महंगा पड़ता है, लेकिन हमने, क्योंकि सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया गया है, हमें अपने धर्म को, संस्कृति को भी बचाना है। इसके साथ साथ इस स्पाइरुलिना में हम बात करें तो इसका सोर्स बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम बात करें तो जैसे जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में बम फेंका गया था, तो वहां का पानी, वहां की मिट्टी में अभी भी उसके रेडियोधर्मी, जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, वो वहां पर है। तो वहां से अगर हम स्पाइरुलिना लेते हैं तो उस स्पाइरुलिना में रेडियो एक्टिव कंपाउंड आ जाते हैं। इस स्पाइरुलिना में कई बार हम जब सामान्य सोर्स से स्पाइरुलिना लेते हैं, क्योंकि ये तो कहीं भी उग जाता है, तो हम किसी भी तालाब से नहीं लेते। पतंजलि ने इसके लिए स्पेशल टैंक बनाए हुए हैं, उनके पानी की हार्डनेस की जांच की जाती है। पानी के अंदर जो हैवी मेटल्स हैं, जैसे लेड है, जैसे मरकरी है, जैसे आर्सेनिक है, चीन से जापान से जो स्पाइरुलिना आता है, उस एल्गी को, स्पाइरुलिना को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसके अंदर हैवी मेटल्स बहुत ज्यादा हैं, और वो हैवी मेटल्स सीधे हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं।
तो पतंजलि का जो स्पाइरुलिना बनाया जाता है उसमें कड़े क्वालिटी कंट्रोल किए जाते हैं, उसके अंदर किसी भी प्रकार के जीवाणु विषाणु नहीं होते, उसकी बार बार जांच की जाती है। जो पानी है उस पानी की हार्डनेस से लेकर पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है वो सारी चीज़ें जांच की जाती हैं। और उसके बाद इसका एक जो महत्वपूर्ण जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है कि उसका ड्राइंग प्रोसेस, तो पतंजलि में जो स्पाइरुलिना बनाते हुए उसका जो ड्राइंग प्रोसेस किया जाता है वो हाई क्वालिटी का ड्राइंग प्रोसेस किया जाता है, उसको सुखाने का प्रोसेस किया जाता है, जिससे उसकी क्वालिटी और उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट कुछ ऐसे होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं प्रोसेस के दौरान, वो नष्ट ना हो। कई जगह क्या होता है कि कुछ कंपनियों में कई जगह पाया जाता है कि स्पाइरुलिना में BMAA नाम का कई बार टॉक्सिक पाया जाता है, टॉक्सिक मटेरियल पाया जाता है। पतंजलि में उसकी भी जांच की जाती है। कई जगह हम स्पाइरुलिना जहां उगाते हैं, आसपास कोई खेत हुआ या मिट्टी हुई, तो उसमें जो आसपास हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव या स्टेबलाइजर यूज किए जाते हैं उनका इफेक्ट उसके अंदर आ जाता है। तो पतंजलि में यह ध्यान दिया जाता है कि हमारे पास जो स्पाइरुलिना आए उसमें किसी भी प्रकार की कोई हैवी मेटल ना हो, किसी भी प्रकार से कोई हर्बिसाइड पेस्टिसाइड ना हो। प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का ही केवल प्रयोग किया जाता है, साफ पानी में उगाया जाता है, हैंडलिंग करते हुए भी ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल हैंड फ्री उसकी हैंडलिंग की जाती है। तो इस क्वालिटी के मापदंडों के साथ स्पाइरुलिना बनाया जाता है। और स्पाइरुलिना की एक और खास बात है, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। हमारी बॉडी में भारत की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, ताइवान की बात करें, चीन की बात करें, तो यहाँ के पानी में आर्सेनिक ज़्यादा है, तो उस आर्सेनिक को बॉडी से बाहर निकालने का काम भी स्पाइरुलिना करता है। हमारे बॉडी के जो हमारा ब्लड है उसको डिटॉक्स करने का काम करता है। अगर हम किसी दूसरी प्रोफेशनल कंपनी का, पैसा बनाने वाली कंपनी का लेंगे तो वो कहीं से भी उठा के दे देते हैं, उससे आर्सेनिक कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। तो ये स्पाइरुलिना के बारे में मैंने आपके सामने संक्षेप में कुछ चीज़ें रखी, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग करने के साथ साथ जो हमारे योग आयुर्वेद में कहा गया है, पूज्य स्वामी जी महाराज लगातार बताते हैं कि आप घर बैठे योग करें, योग करने के साथ साथ आप स्वस्थ आहार का प्रयोग करें, आपके आसपास जो फल सब्जियां होती हैं उनका प्रयोग करें, तो आपको किसी भी बाहर से दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो स्पाइरुलिना है, अश्वगंधा है, आंवला है, ये हमारे फूड प्रोडक्ट हैं, ये किसी प्रकार की दवाई नहीं है, तो आप इनका सेवन कर सकते हैं। और जिनको किसी प्रकार की कमजोरी होती है तो वो एक बार, जिनको रोग है वो डॉक्टर की सलाह से, वो एक बार स्पाइरुलिना का एक महीने तक, दो महीने तक प्रयोग करें। ऐसे हमारे बहुत से मित्र हैं जो ये नॉन वेज कैप्सूल खाते थे और उनसे उनको लाभ नहीं हुआ, उन्होंने जब पतंजलि के स्पाइरुलिना का सेवन किया तो उनको उससे बड़ा लाभ हुआ। ये संक्षेप में मैंने जो अनुभव किया वो जानकारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो योग आयुर्वेद के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारा जो भारत स्वाभिमान का, पतंजलि का, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का जो चैनल है, इसको लाइक कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नई नई जानकारी घर बैठे आपको योग आयुर्वेद, घरेलू उपचार, एक्यूप्रेशर की, दादी नानी के नुस्खों की आपको घर बैठे मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।